आज मैं आपको बच्चे कहानी सिखाऊंगा और कहानी के बल पता है क्या, आप इंग्लिश पढ़ना सीखोगे, इंग्लिश में पढ़ना सीखोगे, लिखना सीखोगे और बोलना भी सीखोगे। एक बेसिक से जैसे से बता रहा हूँ, बस करते जाना, आपको इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, व्हाट अ फूल। व्हाट अ फूल का मतलब हुआ कैसी बेवकूफाना हरकत है, कैसा बेवकूफ है। व्हाट अ फूल बोलते हैं, व्हाट अ प्लेस, कितना बढ़िया प्लेस है। यहाँ फूल एक नेगेटिव वर्ड है, तो कैसी मूर्खता है। अब देखो यहाँ लिखा है लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। तो लॉन्ग लॉन्ग मतलब क्या हुआ, लंबा लंबा, मतलब हिंदी हुआ बहुत समय पहले की बात है। व्हेन, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो व्हेन एनिमल्स कुड स्पीक अमिडस्ट टावरिंग हिल। कह रहा है कि बहुत समय पहले की बात है जब जानवर, व्हेन मतलब जब, एनिमल्स मतलब जानवर, कुड स्पीक बोलता था अमिडस्ट टावरिंग हिल, टावरिंग हिल के बीच से, जो टावरिंग हिल्स था उसके बीच से बोलता था। देयर वॉज अ टाइनी लिटिल किंगडम। देयर वॉज, अब वो पास्ट का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भी कहानी होता है वो पास्ट का होता है। तो देयर वॉज अ टाइनी लिटिल किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। तो देयर वॉज एक छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा, लिटिल किंगडम बहुत ही छोटा सा, न के बराबर एक साम्राज्य था, इन अ टाइनी लिटिल वैली, एक छोटे से वैली पर। एंड एट द वेरी एज ऑफ विलेज, एंड द वेरी एज, एज मतलब किनारे ऑफ द वैली, वैली किनारे वॉज अ टाइनी लिटिल हट, एक छोटा सा झोपड़ी था, हट मतलब झोपड़ी। इन दैट हट लिव्ड अ गर्ल नेम्ड करुणा, उस हट में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था करुणा। समझ में हाथ आया। अब देखिए एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी डे मतलब क्या हुआ, प्रतिदिन सी वेंट इन टू द जंगल। वो करुणा जो थी प्रतिदिन जंगल जाया करती थी, जंगल जाती थी, सी वेंट इन टू द जंगल, जंगल में जाती थी, टू कलेक्ट फ्रूट्स, फ्रूट्स को लाने के लिए, कलेक्ट मतलब जमा करने के लिए फ्रूट्स को, एंड प्लांट्स को, टू मेक मेडिसिन। वो फ्रूट्स लाती थी, प्लांट्स आई थी, ताकि मेडिसिन मतलब दवा बना सके, कौन, करुणा। मेरे साथ पढ़ो इस किताब को, इस किताब का नाम है, देखो इंग्लिश स्टोरी रीडिंग बुक। यह किताब DSL का है, यह किताब आपको मंगाना है, धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं इसको, तो यह किताब क्लास में भी चलता है, लेकिन आप सबको इसको पढ़ना है, ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे कहा कि एवरी डे सी वेंट इन टू द जंगल टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड प्लांट्स, टू मेक मेडिसिन, दवा बनाने के लिए। हर ग्रैंड मदर हैड बीन अ वैद एंड हैड टॉट हर टू मेक मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन। कह रहा हर ग्रैंड मदर मतलब उसकी दादी माँ, हर मतलब करुणा की दादी माँ, हैड बीन अ वैद, वो वैद थी, एंड हैड जो है टॉट हर, टॉट मतलब पढ़ा चुकी थी, सिखा चुकी थी, टू मेक मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, कि तरह तरह के दवाई बनाने के लिए। एवरी डे सी गेदर्ड अ फ्यू फ्लावर्स मेकिंग श्योर टू हैव मोस्ट ऑफ देम ऑन द ट्रीज एंड बुशेज। प्रतिदिन वो गेदर मतलब इकट्ठा करती थी, फ्यू मतलब कुछ फ्लावर्स को, मेकिंग श्योर, श्योर करने के लिए, टू लीव मोस्ट ऑफ देम ऑन ट्रीज एंड बुशेज, बुशेज मतलब झाड़ी, ताकि और बचा भी रहे। व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ हो, द विलेजर सेड, विलेजर ने कहा, कुछ गांव वासियों ने कहा उसको कि तुम कितने फूल हो, कितने व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ हो, द विलेजर सेड, इफ यू वर टू प्लक, इफ यू वर टू प्लक, अगर काश तुम तोड़ लिए होते मोर फ्लावर्स एंड डिग आउट मोर प्लांट्स, अगर तुम ज्यादा फूल चाहिए, ज्यादा फूल तोड़ लेते, डिग आउट मोर प्लांट्स, ज्यादा प्लांट्स को उखाड़ लाते, यू वुड मेक अ लॉट ऑफ मनी, तुम ज्यादा पैसा कमा लेते। द बर्ड्स, चिड़िया एंड द बीज नीड देम टू, द बर्ड्स एंड द बीज नीड देम टू, उसने कहा कि चिड़िया को और बीज मधुमक्खी को, उसको भी चाहिए, फॉर दियर फूड, उसको भोजन चाहिए, है ना भाई। अब वहाँ से फूल पत्ती खाते कौन है भाई, तो मधुमक्खी भी खाते हैं, चिड़िया भी खाती है, तो उनको भी फल फ्रूट चाहिए। सी सेड, उसने कहा, लड़की ने कहा कि भाई मगर सब मैं उखाड़ लूँगी तो जो मधुमक्खियाँ हैं, जो चिड़िया हैं, वो फल कैसे खाएंगी। इफ़ आई टेक अवे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, वाट विल दे ईट,
अगर मैं अधिकतर फ्लावर को उखाड़ लेती हूँ, ले जाती हूँ फूल फल को, तो फिर वे लोग क्या खाएंगे। देखो कितना कितना अच्छा विचार है कि मतलब खुद तो खा रहे हैं और दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। एक दिन की बात है, वेन सी वाज इन जंगल, जब वो जंगल में थी, करुणा हर्ड लो विम्परिंग। करुणा जो है सुनी, लो विम्परिंग मतलब हुआ फुसफुसाहट की आवाज, साउंड सुनी। सी लुक्ड इन द बुशेस, वो झाड़ियों में देखी, एंड सॉ देखी, सॉ टू लिटिल टाइगर कब्स, देखी उसने जो करुणा वो देखी कि दो छोटे छोटे टाइगर कब, कब का मतलब बाघ का बच्चा, छोटे बाघ के बच्चा देखे। दे वेयर थीन एंड वीक, वो सारे जो बाघ के बच्चे थे काफ़ी थीन थे और कमजोर थे। कितनी अच्छा कहानी है, आप सारे बच्चे ऐसे पढ़ना सीखो। ओह नो, ओ नहीं, सी सेड उसने कहा, द पुअर लिटिल थिंग्स सीम टू बी स्टार्विंग, ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बाघ के बच्चे थे दोनों भूखे तड़प रहे हैं। स्टार्विंग का मतलब होता है बच्चे भूखे तड़पना। आई वंडर, हमने चिंता किया, वेयर देयर मदर इज, उसके माता पिता कहाँ हैं। शी क्लाइम्ड अप अ नियर बाई ट्री टू सी इफ देयर मॉम, है ना जी, देयर मॉम केम, उसने वो लंबे ट्री पे चढ़ गई और देखी कि मॉम उसकी आ रही है, बट द टाइग्रेस डिड नॉट अपीयर, लेकिन उसकी माता जो वहाँ पे नहीं, अपीयर मतलब आना, प्रतीत होना। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सन वाज पीपिंग आउट फ्रॉम द होराइजन, सी जेंटली पिक्ड अप द कप्स एंड पुट देम इन हर बास्केट। कहानी इस तरह आगे बढ़ता बच्चे कि द अगले सुबह की बात है, एज द सन वाज पीपिंग, अगले सुबह में क्या हुआ, सन अपने स्थान पर उगा, आउट फ्रॉम द होराइजन, सी जेंटली पिक्ड अप, उसने आराम से उठाया कब्स मतलब बच्चों को, टाइगर के बच्चे को जो कब बोलते हैं, एंड पुट देम इन हर बास्केट, और उनको अपने बास्केट में रख दिया। ओह यू पुअर लिटिल थिंग्स, तुम कितने छोटे छोटे बच्चे हो, मे बी योर मदर हैज बीन क्रैप्ड बाय पोचर्स, हो सकता है तुम्हारी माता तुमको छोड़ गई हो या तुम्हें ढूंढ रही होगी। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। ये कौन बोल रही है, करुणा। करुणा कवर्ड द कप्स, करुणा ने कवर्ड कर दिया बच्चे को, कब को, विथ अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ढक दिया, एंड वेंट टू द मार्केट टू बाय सम मिल्क फ्रॉम देम, और बाजार गई कब के लिए दूध खरीदने के लिए। ठीक है, एक तो बेचारी खुद परेशान थी, ऊपर से कब आ गया, उसके दूध खरीदना है। वाट अ फूल यू आर, सेड द मिल्कमैन, मिल्कमैन ने कहा कितने मूर्ख हो तुम, ठीक है, टू हर, व्हेन सी बॉट अ बकेट फुल ऑफ मिल्क फ्रॉम हिम, उसके यहाँ से एक बकेट जो है मिल्क उस कब के लिए खरीदी। यू डू नॉट हैव एनफ टू फीड योर सेल्फ एंड एट यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन द कब, कह रहा है दुकानदार, कहा कि तुम्हारे पास खुद पैसे नहीं है खाने के लिए और तुम जो है स्पेंड कर रहे हो मनी उस कब के लिए। बिसाइड्स यू नेवर नो विथ दीज बिस्ट फीड देम टुडे एंड टुमारो दे विल फीड यू ऑन यू। कितनी अच्छी बात, उसने कहा कि आज तुम इसको खाना खिला रही हो, कल वो जो शेर के बच्चे हैं तुम्हें ही खा जाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ रहा है। करुणा जो करुणा थी सिर्फ स्माइल की, ठीक है, करुणा कुछ नहीं बोला, स्माइल की। सुन, जल्दी ही द कब्स वेयर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, जल्दी जो कब थे बाघ के बच्चे थे वो अच्छा हो गए और ताकतवर बन गए। एंड एज द डेज वेंट बाय दे ग्रू बिगर एंड बिगर, समय बीतता गया और बाघ के बच्चे बड़े से बड़े होते गए। वन डे बिगर एंड बिगर, बड़ा से बड़ा होते गए। वन डे, एक दिन की बात है, करुणा सेड टू देम, करुणा ने उसे कहा, किससे, बाघ के बच्चे से, यू आर नाउ ओल्ड इनफ टू हंट, अब तुम बड़े हो गए हो पर्याप्त मात्रा में, अब तुम अपना शिकार करो। इट्स टाइम फॉर यू टू गो बैक, ये समय आ गया है कि तुम वापस जाओ, तू जंगल में जाओ, वेयर यू बिलोंग, जहाँ से तुम्हारा संबंध है। सी वॉक्ड विथ देम, उसके साथ गए टू द जंगल एंड लेफ्ट देम देयर, जंगल में उन शेर के बच्चे को छोड़ाई। इमेजिन हर सरप्राइज, वो जो है सरप्राइज हो गई, वेन द नेक्स्ट मॉर्निंग दे बेयर बैक,
जब वो सरप्राइज हुआ कि जब जंगल छोड़ के आई थी तो अगले मॉर्निंग जो शेर का बच्चा था वो वापिस आ गया। सी टुक देम इवन डीपर इन टू द जंगल, हालांकि वो जंगल में अंदर तक छोड़ के आई थी, बट दे फाउंड देयर वे बैक अगेन, लेकिन वो शेर के बच्चा जंगल में नहीं रहा, वापस आ गया। देखा, यानी उसको प्रेम हो गया था, शेर के बच्चे को प्रेम हो गया था। लुक्स लाइक यू हैव डिसाइडेड टू स्टे विथ मी, ऐसा प्रतीत होता है, शेर के बच्चे से बात कर रही है कि तुम मेरे साथ रहना तुम डिसाइड कर चुके हो, बट आई वंडर हाउ लॉन्ग वी विल बी एबल टू फीड यू, सी सेड विथ अ साइ। लड़की जो है थोड़ा शर्म करते हुए बोली कि देखो बेटा मैं तुम्हें कैसे खिला पाऊंगी, इतना तुम लोग खाना बढ़ गया है, मैं कैसे तुमको रख पाऊंगी, कैसे खिला पाऊंगी। वन डे देयर वाज ए बिग फ्यूरोर इन द मार्केट प्लेस, एक बहुत सारा भयानक जो है कांड मार्केट में हुआ। एवरीवन वाज वरीड, सब लोग चिंतित थे, देयर किंगडम वाज गोइंग टू बी अटैक्ड, उसके राज्य में आक्रमण होने वाला था। पीपल वेयर हर्ड सेइंग, बहुत लोग सुन रखे थे, दे हैव 10,000 सोल्जर्स, उनके पास 10,000 सिपाही हैं। द सोल्जर्स राइड एलिफेंट एंड हॉर्सेस, दे आर फियरलेस, उनके जो सिपाही लोग हैं वो घोड़े पे और हाथी पर हैं और वो भयभीत नहीं हैं। द किंग वाज वरीड, राजा उदास हुआ, ही ओनली हैड फुट सोल्जर ऑन दिस आर्मी, उसके आर्मी में सिर्फ पैदल सेना थे। वी विल श्योरली लूज, ही सेड, उसने कहा हम लोग तो हार जाएंगे, उन्होंने कहा। ही समंड हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हुएवर कम्स अप विथ द प्लान टू सेव आवर किंगडम विल बी वेल रिवार्डेड, जो मेरे, उसने कहा, उस राज घोषणा किया कि जो मुझे इस प्लान में अच्छा करेगा और हमारे किंगडम को बचाएगा हम उसे इनाम देंगे। बट द मिनिस्टर्स कुड नॉट कम अप विथ एनी आइडियाज, लेकिन मिनिस्टर के पास कोई आइडिया नहीं था। सो द किंग सेंट हिज टाउन क्राइज थाउजेंड्स ऑफ लैंड, उसने जो है थ्रू आउट द लैंड, उसने किंग जो है सेंड किया बहुत सारे चीज़ों को, राजा को, प्रजो को, जो उसके सैनिक थे वो लैंड भेजा। दे बीट द जो है नगर्स एंड अनाउंस लाउडली, उसने नगर में ढोल बजाया, बीट्स मतलब ढोल बजाना, और अनाउंस किया लाउडली, सुनो सुनो, हियर हियर, आवर लैंड इज गोइंग टू बी अटैक्ड, हमारे पृथ्वी पर जो द पर्सन टू कम अप विद द प्लान टू सेव इट, कोई व्यक्ति मुझे बचाएगा, सेव करेगा, विल बी वेल रिवार्डेड बाय द किंग, राजा के द्वारा उसे रिवार्ड दिया जाएगा। बट नो वन कम अप विद द आइडियाज, कोई व्यक्ति पास कोई था ही नहीं। करुणा बाज वरी टू, करुणा भी चिंतित थी, आवर किंगडम इन द ग्रेव डेंजर, हमारा जो किंगडम है वो डेंजर में है। सी सेड टू द टाइगर, बाघ से बोली, इफ द एनिमी अटैक्स, अगर दुश्मन आक्रमण करता है, अ लॉट ऑफ पीपल विल बी हर्ट, बहुत लोग मारे जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। आई विश आई कुड हेल्प, हम लोगों को मदद करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। द टाइगर्स वेयर स्टैंडिंग नियर बाई, मे बी वी कैन हेल्प, टाइगर नज़दीक में खड़े थे, बोले हाँ हेल्प करेंगे। बट हाउ, आस्क्ड करुणा, करुणा ने पूछा कैसे मदद करेंगे। द टाइगर्स विस्पर्ड देयर प्लान, प्लान को विस्पर की बताई। दैट एन अमेजिंग आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। द अर्ली इन द मॉर्निंग करुणा सेट ऑफ द प्लेस, उसकी प्लेस से पहुंची। पीपल प्लीज टेक मी टू द किंग, मुझे राजा के पास ले चलो। सी सेड आई हैव अ प्लान टू सेव अवर किंगडम, ऑल द कंट्रीज रोल्ड विद द लाफ्टर, और उसने कहा कि मेरे पास आइडिया है, मैं बचाऊंगी किंगडम को। ऑल द कंट्रीज रोल्ड विद द लाफ्टर, सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे। द फूल हैज अ प्लान टू सेव द किंगडम, उसने कहा मूर्ख के पास क्या प्लान है, हा हा हा, सब ने हंसा। बट वेन करुणा टोल्ड द किंग, लेकिन जो है करुणा है टोल्ड की राजा बताई अबाउट द प्लान के बारे में। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थी। इट्स अ सिंपल, इट्स ग्रेट, इट्स अ फैंटास्टिक, उसने कहा बहुत सिंपल है, ग्रेट है, फैंटास्टिक है। फाइनली वन ग्रेट डे, एक दिन की बात था, द एनिमी अपीयर्ड ऑन द होराइजन, सोल्जर्स माउंटेड ऑन हॉर्सेस, फॉलोड बाय सोल्जर्स ऑन एलिफेंट एंड कैमल्स, जो सिपाही। द हिल्स इकोड देम बैक ओवर एंड अगेन, पूरा हिल जो इको हो गया। दे रोड अगेन एंड अगेन, बार बार सिर जो है गरजना शुरू किया,
रो रो रोर, मतलब ग्रज रहा है। इट सेम्स एज इफ देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ टाइगर गैदर्ड देयर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सौ की संख्या में टाइगर वहाँ पे है। द सोल्जर्स हॉर्सेज हर्ड द रोर्स, वहाँ सिपाही जो थे, घोड़े जो थे, उस आवाज़ को सुने। दे बिगेन टू पैनिक, वो लोग पैनिक हो गए। दे रियर्ड देयर हेल्प्स अप, है ना, नेगिंग लाउडली, वो लोग जो है लाउडली इधर भागना शुरू किए, है ना, नेग भागना शुरू किए। द राइडर्स फेल ऑफ द हॉर्सेज, जो घुड़सवार थे घोड़ा से गिर गए बैक्स। सम क्लंग, है ना, टाइटली टू देयर सोल्जर्स एंड फाइटेंड हॉर्सेस, कुछ लोग वहीं से भागना शुरू किए, गिरना शुरू किए। बिगन टू रन हेल्टर स्केल्टर, और इधर उधर बिखर गए, मतलब पूरा भाग गया। दे रैन लेफ्ट, वो लोग सब भाग गए। दे रैन राइट एंड देयर कन्फ्यूजन, दे रैन राइट बिटवीन द लेग्स एंड एलिफेंट्स, दिस मेड एंड एलिफेंट्स वेरी एंग्री, और जो शेर था वो भी गुस्से में आ गया। दे लिफ्टेड देयर ट्रंक एंड ट्रम्प्ड लाउडली, और सबको जो है ट्रा 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 एंड चार्ज हिज हॉर्सेस, और सब घोड़े को हाथियों को भागना शुरू किया। द फ्राइटेंड हॉर्सेस टर्न्ड अराउंड, घोड़ा डर के सब भाग गया। एंड गैलोप्ड, तेज भागा, गैलोप मतलब तेज भागना, एट फुल स्पीड से, नॉकिंग ओवर द फुट सोल्जर्स मार्चिंग एट रियर। रन फॉर योर लिप्स, सब अपने भाग गए। सेड द कैप्टन ऑफ द आर्मी, आर्मी कैप्टन ने कहा, द किंगडम इज इवन मोर पावरफुल देन आवर्स, उसने कहा कि इसका किंगडम हमारे राज से ज़्यादा पावरफुल है। दे हैव टाइगर देयर आर्मी, उसके आर्मी में टाइगर है। आवर हॉर्से एलिफेंट्स आर नो मैच फॉर देम, कोई मैच नहीं करेगा। एंड सून दे वेयर ऑल गोन, और जल्दी सब लोग चले गए। द किंग वॉज डिलाइटेड, किंग राजा बहुत खुश हुआ। ही इन्वाइटेड करुणा टू पैलेस एंड गेव हर अ सीट टू ऑफ ऑनर, उसको अच्छा सम्मान भरा सीट दिया। राइट नेक्स्ट हिम एंड रिवार्डेड हर वेल, उसको अच्छा सम्मान दिया गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स नोबडी एवर डेयर्ड कॉल अरुणा अ फूल, उस दिन के बाद से करुणा को किसी ने बेवकूफ नहीं कहा, और करुणा बहुत अच्छा काम की, अपने राज को बचाई। मेरे दोस्त, यह जो बुक है इंग्लिश स्टोरी रीडिंग बुक, ये बहुत अच्छा किताब है। इसको पढ़ने के लिए सही बनाया गया है, इसको पढ़िए, डिक्शनरी का प्रयोग करिए। मैं कहानी लेकर आता रहूँगा डेली, ताकि आप सीखते रहेंगे अंग्रेजी, ठीक है। और फाउंडेशन इंग्लिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर करिए, और अपने भाई को, बंधु को, छोटे बच्चों को शेयर करिए। साथ साथ इंग्लिश अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो DSL क्रांतिकारी ऐप और DSL इंग्लिश ऐप बहुत अच्छा ऐप है। और जो फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करें और फ़ोन नंबर से कॉल करें जब भी दिक्कत हो आपको। मैं धर्मेंद्र सर आता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू मच, बाय बाय, टेक केयर।